हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर अगला चैप्टर रहते हैं क्लास एमपीबीया। एमपीबीएस के अंतर्गत ऐसे जीव जंतु आते हैं जो दो तरह के आवासों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जलीय और स्थलीय। इसलिए इनका नाम उभयचर या एमपीबीया है। ये ऐसे प्रथम कशेरुकी हैं जो जल से निकल कर स्थल पर आए। तो हम इनका देखते हैं कि इनका इवोल्यूशन जो है, जैव विकास किस तरह जीवों से हुआ है। कि उत्पत्ति मछली सदृश जीवों से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। जैसे हम देखते हैं इस इवोल्यूशन लाइन में यूस्थेनोप्टेरॉन्स है, टिक्टेलिक है, एकेंथोस्टेगा, इक्थियोस्टेगा। ये जो है एकेंथोस्टेगा, इक्थियोस्टेगा, ये अर्ली टेट्रापोड्स है जिनमें विकसित श्वसन के लिए फुफ्फुस और में जो है चलने के पास जो उपस्थित थे। मछली जो फिंस थे वो इनमें धीरे धीरे पाद के रूप में रूपांतरित हो गए और इनमें कंकाल भी काफ़ी विकसित हो गया था। तो ये जो एकेंथोस्टेगा है, इक्थियोस्टेगा है, ये आदिम प्रिमिटिव जो जीवाश्म है, ये टेट्रापोड है, अर्ली टेट्रापोड्स के ये जीवाश्म है जिनसे अपन मानते हैं कि इनकी से एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो एम्फीबियंस ऐसे जीव है जो मछली सदृश जो जल और स्थल दोनों पर अपना जीवन यापन करते हैं। प्रथम बार ये जल से स्थल पर की ओर अग्रसर हुए थे। ऑफ द लिविंग वर्टिब्रेट्स एम्फीबियंस वर द फर्स्ट टू अडॉप्ट टू एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ऑन लैंड। यानी ये प्रथम ऐसे जीव जंतु जो स्तर की ओर अग्रसर हुए। मोस्ट स्टिल नीड फ्रेश वाटर एट सम पॉइंट इन लाइफ साइकिल। जीवन की किसी जीवन के जो इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो निषेचन और या अर्ली जो डेवलपमेंट है वो पानी में पूरा होता है और उसके बाद एडल्ट जो है वो स्थलीय होते हैं। ये इनके अपन जगह सिमिलरिटी देखें, लोब फिन फिश जो है वो अर्ली एम्फीबियंस के सिमिलर थे और कार्बोनिफेरस जो एरा है युग है उसमें इनकी बहुत आई थी एम्फीबिया की। तो एज ऑफ एम्फीबियंस कहलाता है काल जो है कार्बोनिफेरस। डिवोनियन में फिशेज की बहुत आयता थी और कार्बोनिफेरस जो एरा है उसमें एम्फीबियंस की प्रचुरता थी। इनके फिंस जो है मछली फिंस वो आगे इनके पाद के रूप में रूपांतरित हो गए और ये स्केलेटन भी काफ़ी विकसित हो गया। इसके अलावा यह है इक्थियोस्टेगा, इसका जो कंकाल है ये इसके डेराइव्ड कैरेक्टर है। सेक्रम जो है, थ्री बोन्स इन हिप, कुड सपोर्ट वेट ऑन लैंड। जमीन पर इनके सर वेट को सपोर्ट करने के लिए इनमें हिप के अंदर तीन बोन्स स्पेशली पाई जाती हैं सेक्रम रीजन में। एमपीपी का जो लाइफ साइकिल अपन देखते हैं, ये जो पानी में का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है निषेचन होता है, बाई निषेचन होते हैं। इनमें एग्स दिए जाते हैं, एंडोस्फियर एक लार्वा अवस्था निकलती है जिसको अपन टेडपोल कहते हैं। उस टेडपोल में एक्वेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, फिशेज की सदृश जैसे क्लोम की उपस्थिति श्वसन के लिए क्लोम्स पाए जाते हैं। उसमें फिर कई रूपांतरण होते हैं जिनको हम मेटामोर्फोसिस कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। उसके द्वारा एडल्ट जो है एमपीपी का निर्माण होता है और वो स्थलीय होता है। उसमें कई सारे स्थलीय टेरेस्ट्रियल जो कैरेक्टर्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। इनकी तीन इस क्लास के तीन ऑर्डर्स है, एन्यूरा विदाउट टेल, इनमें पूंछ नहीं होती, टेल है वो यूरोडेला कहलाते हैं, और विदाउट लेग्स इनमें पैर नहीं होते वो जिम्नोफिन्स कहलाते हैं। इनकी जो जनरल कैरेक्टर्स हैव नो नेल्स और क्लॉज, किसी तरह के नाखून या पंजे नहीं है। मिनिमल नंबर ऑफ टीथ, काफ़ी कम से कम दांत पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ टॉन्ग दैट इज प्रोजेक्टाइल एंड स्टिकी, क्योंकि जीभ है वो बहिरोधी होती है, बाहर की ओर निकलने वाली, और एक चिप भी होती है जो इनको शिकार करने में सहायता करती है। स्पेंड फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ इन वाटर एज टेडपोल्स, इनका जो प्रारंभिक जीवन का प्रारंभिक हिस्सा है वो टेडपोल के रूप में ये पानी में व्यतीत करते हैं। और उसके बाद इनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिनको कायांतरण कहते हैं, उसके द्वारा इनमें एडल्ट स्टेज का निर्माण होता है। टेडपोल होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, जबकि एडल्ट होते हैं वो कार्निवोरस या मांसाहारी होते हैं।
दे आर एक्टोथर्म्स, ये असमतापी इनके शरीर का तापमान वातावरण अनुसार घटता बढ़ता रहता है। शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार एडजस्ट होता है, अपने मेमल्स की तरह नहीं है, एवीज की तरह कि इनका तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, अस्थिर तापमान वाले हैं एक्टोथर्म्स कहलाते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, जब पर्यावरण परिस्थितियाँ विपरीत होती है तो इनमें दो गतिविधियाँ पाई जाती है, एक तो है हाइबरनेशन, एक है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन मतलब विंटर शीत निष्क्रियता, सर्दियों में निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं, दैट इज हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता। और गर्मियों में जो निष्क्रियता पाई जाती है उसको अपन कहते हैं एस्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता। उसमें इनकी उपापचय क्रिया काफ़ी मंद हो जाती है और ये अपने आप को बचाए रखते हैं। इनकी स्किन जो होती है कैसी होती है, नमी युक्त होती है, चिकनी होती है, इनमें म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है और कुछ एम्फीबियंस में पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती है जो सुरक्षा के लिए विष का सिक्रेशन करती है, जैसे टॉड वगैरह है। इनमें पिगमेंट सेल्स पाए जाते हैं जो इनकी स्किन को अलग अलग प्रकार के कलरेशन प्रदान करती है। बाद इनमें रेस्पिरेशन जो है 3 प्रकार से होता है, क्यूटेनियस, पल्मोनरी और गिल्स के द्वारा। त्वचा तो इनकी बहुत नमीयुक्त होती है, नम त्वचा होती है, तो उसके द्वारा भी गैसियस एक्सचेंज होता है। और फुफ्फुस के द्वारा, फेफड़ों द्वारा भी इनमें पेट लंग्स होते हैं, एक जोड़ी लंग्स होते हैं जिनके द्वारा श्वसन होता है। और जो जलीय टेडपोल लार्वा है उसमें गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। लंग्स, स्किन और लार्वा में गिल्स के द्वारा। अच्छा, इसमें देखो जो हार्ट है वो 3 कक्ष होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं अलग और 1 वेंट्रिकल में पाया जाता है। वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, अटैच्ड होता है जो पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु से अटैच होता है ब्रेन। दे कंटेन वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी सिस्टम जो है, पेशी तंत्र विकसित होता है, सेल्स रिसेप्टर होते हैं लोकेट ऑल ओवर द स्किन। ठीक है, और इनमें एक गुड विजन पाया जाता है क्योंकि इनको ये अच्छे विजन फिटर्स कहलाते हैं, शिकार के लिए इनको सहायक है। और इनमें जो भी है, इनमें ऑल्फैक्टरी लोब है, सेरिब्रम है, ऑप्टिक लोब, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, सभी मस्तिष्क सभी भाग जो वो सुविकसित होते हैं। एक्सक्रीशन होता है वो किडनीज टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड, यूरिन एक्सक्रीटेड यूरेट्रा के द्वारा, यूरिन टेस्ट के द्वारा, फिर क्लोका के थ्रू। इनमें जलन छिद्र है, उसर छिद्र एक होता है जिसको मूत्र जलन छिद्र कहते हैं, क्लोका कहलाते हैं, उसके द्वारा इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो सिक्रेट किए जाते हैं। और रिप्रोडक्शन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, पानी के अंदर इनमें बाइनेशन होता है जिसमें अंडों के ऊपर जेली का आवरण पाया जाता है सुरक्षा के लिए, और इनसे टेडपोल लार्वा निकलते हैं। दो टेडपोल लार्वा में काफी सारे रूपांतरण होते हैं जिनको कायांतरण कहते हैं, उसके द्वारा एडल्ट फ्रॉग का निर्माण, एडल्ट एमपीपी का निर्माण होता है। लेकिन इनमें एक चीज और है, साउंड प्रोडक्शन है, जब इनकी ब्रीडिंग सीजन होती है बरसात के समय में तो इनके जो लैरिंग्स है वो फूल जाते हैं और वोकल कॉर्ड्स जो है वो तेज आवाज उत्पन्न करने के लिए इनमें इस प्रकार की फुलावट आ जाती है जिसकी वजह से साउंड प्रोडक्शन होता है। और ये साउंड प्रोडक्शन मेटिंग कॉल के लिए होता है, नर के द्वारा मादा को कॉल करने के लिए, प्रजनन के लिए इनमें ये कॉल होती है जिसको अपन मेटिंग कॉल कहते हैं। साउंड प्रोडक्शन में इनका ये दिख रहे हैं वोकल कॉर्ड्स का फूल जाते हैं जो आवाज, तेज आवाज उत्पन्न करने के लिए ये सहायक होते हैं। उसके बाद है एन्यूरा। जिनमें पूंछ अनुपस्थित होती है, ग्रीवा भी अनुपस्थित है, जबड़ों पर दांत अनुपस्थित होते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं एन्यूरा के वो है राना है, राना टिग्रिना कॉमन जो फ्रॉग है, बुफो है, हाइला है, एलआईटीज है, पाइपा है, ये जो फ्रॉग्स हैं ये क्लास ऑर्डर एन्यूरा में आएगी। ठीक है, इसमें टेल नहीं होती, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन मोस्ट कंडीशन। यूरिडेला, इनमें टेल्स पाई जाती है, ये छिपकली समान जीव है और अंडप्रजक होते हैं और त्वचा में सलगट उपस्थित होते हैं और
जिनमें न्यूटनी घटना पाई जाती है, यानी लार्वा वास्तव में प्रजनन करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल है एमबेस्टोबा, एक्सोट्रिल लार्वा है, सेलामेंडर है, प्रोटियस है, साइरन है, ये सभी यूरोडेला के अंतर्गत आते हैं, कॉडेटा या यूरोडेला। और तीसरे जो क्लास ऑर्डर है वो है जिम्नोफिना, या इनको एपोडा भी कहते हैं, क्योंकि इनमें लैक्स या किसी प्रकार के जो पाद वो नहीं पाए थे, सांप के सदृश जीव रेप्टाइल के समान दिखते हैं। ये पादरी अंधे और लंबे कर्मी के समान होते हैं और बिलकारी जंतु हैं। और इसके एग्जाम्पल है इक्टियोफिस, जिम्नोफिना एग्जाम्पल है इक्टियोफिस। ठीक है, लेगलेस होते हैं, बरोइंग होते हैं, बिलकारी, एक्वेटिक, ट्रॉपिकल होते हैं, इंटरनल फिल्ट्रेशन है, ओविपेरेसिया विविपेरेसिया स्पीशीज में इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये थी हमारी आज की चैप्टर क्लास एम्फीबिया, इसके जनरल कैरेक्टर्स और इसका क्लासिफिकेशन देखा। थैंक यू।